की इकोनॉमिक डायनेमिक्स चेंज हो गए 10 दिन में, अलबत्ता एक हफ्ते में आपका 4 अरब डॉलर से 8 अरब पे पहुंच गया, मगर डॉलर ऊपर गया, क्यों गया? कोई सवाल, कोई तहकीकात? मैं तो कहता हूं ना कि इन तमाम लोगों से तहकीकात करा जाए, इनके ऊपर, मैं कहता हूं सियासतदानों के ऊपर, जिस तरह आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, 9 मई पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, 9 मई और सियासतदान जितने इम्पोर्टेंट है उससे भी कई ज्यादा आपकी मईशत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये मईशत अगर तबाह हो गई तो हम किस तरह से अपने इदारों को बेहतर कर सकेंगे, हम किस तरह से इदारों को चला सकेंगे, हम अपने घर को किस तरह चला सकेंगे? हमारे दुश्मन इस वक्त हमें हथियार से नहीं मार रहे हैं, उनका पहला हथियार था कि इनकी सबसे बड़ी ताकत है इनकी फौज, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करें, जो अल्हम्दुलिल्लाह क्यों, क्योंकि अल्लाह पाक नहीं चाहता था तो उनके नापाक इरादे पूरे नहीं हुए, और अवाम को पता था कि हमारी पाक फौज जो है वो हमारे लिए सरहदों पे अपनी जान दे रही है, हमारे लिए शहरों के अंदर सैलाब की जब मसले मसाइल आते हैं वो आते हैं। मुहर्रम का महीना है, तो इस हवाले से थोड़ा सा करते हैं बात की इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हमें क्या सबक दे। देखिए, अल्लाह पाक ने 2 कुर्बानियां मांगी, ठीक है, और गम दे के भी और खुशी दे के भी, और ये देखें कि कितनी फौरन फौरन अल्लाह पाक हमें सिखाना चाहता था कि गम में भी अल्लाह का जिक्र करो और खुशी में भी। तो इसलिए अल्लाह पाक ने सबसे पहली कुर्बानी की हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, जो हम कुर्बानी की ईद मनाते हैं, बड़ी खुशियां मना रहे होते हैं ना, और फिर उसके बाद एक गम की कुर्बानी जो हमें गम बताता है कि मुहर्रम में इमाम हुसैन की कुर्बानी। अच्छा, अल्लाह ताला ने देखे कि कितने हमारे जो इनकी कुर्बानी जो है ना, हम जो हम बात करते हैं कि रसूल के नवासे की कितनी बड़ी अहमियत है हमारे दीन में, से बड़ी अहमियत कोई नहीं है कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी, और उसकी उनकी औलादों में, उनकी बेटी की औलादों में, ठीक है, और हम इस चीज को, हमें कुर्बानी ये सिखाती है कि हमें इस महीने का एहतराम करना चाहिए, आपस में लड़ना नहीं चाहिए, इत्तेफाक रखना चाहिए, और हम सबील इसलिए बनाते हैं कि हमारे सामने से कोई इंसान प्यासा ना जाए। हम तो सबील इसलिए होता है कि अमीर गरीब जो भी आ रहा है हम उसकी प्यास बुझाएं, हम अपने घरों के आगे ये देखें, हम नजर नियाज है, कोई खैरात नहीं है, नजर नियाज का मतलब है अमीर गरीब हर इंसान उसे इस्तेमाल कर सकता है। यानी ये देखें कि ये कितना बड़ा महीना है कि ये सिखा रहा है आपको कि भाई ऊंच नीच को छोड़ दें, अमीर गरीबी को छोड़ दें, और एक दूसरे के लिए काम आए, एक दूसरे के लिए अच्छी बातें बताएं। हम जो मजालिस में जाते हैं तो ना हम शिया होते ना सुन्नी होते, हम अच्छी बातें सुन रहे होते हैं अल्लामा लोगों से। मैं यकीन करें जब मैं जाता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे इल्म में इजाफा होता है जब मैं मंबर पे बैठे वे एक आलिम से, मौलाना साहब से वो बातें सुन रहा होता हूँ जो सारा साल मैंने नहीं सुनी होती है, और फिर वो मिसाल दे रहे होते हैं कुरान के जरिए से, हदीस के जरिए से, वो सहाबा की बातें कर रहे होते हैं, तो वो सब चीजें हमें सिखाते हैं। और रहा सवाल के लोग रोते क्यों हैं, तो ये एक अंदरूनी, एक इंसान को जब कोई जज्बा या गम आता है तो इंसान के अश्क जो है वो बह जाते हैं। बिल्कुल, मैं आज आपको बता दूं, हम तो आले रसूल से मोहब्बत करने वाले हैं, जो मोहब्बत हम करते हैं सहाबा से मोहब्बत, तो क्या हमारे आंसू नहीं निकलेंगे? बिल्कुल, बात बता दूं, अल्लाह का इंतकाल हुआ था तो मैं कई दिनों तक रोता था, खाना छोड़ दिया था, और वो भी क्या बुढ़ापे में, मैं कोई बच्चा नहीं था जब मेरी वालदा का इंतकाल हुआ था। मुझे याद पड़ता है मैं तकरीबन 40 साल का एक इंसान था, 40 साल इंसान ने खाना छोड़ दिया और आंखों से अश्क, तो अब आप सोचिए ये माँ की मोहब्बत थी, और अब माँ की मोहब्बत से भी बढ़ के जो मोहब्बत होती है वो अल्लाह पाक के रसूल, अल्लाह पाक के नबियों के, अल्लाह पाक के बेटी के बच्चों के नवासों के, रसूल पाक के नवासे, अल्लाह पाक ने हम सबको बनाया, हम सबको पैदा किया, एक जज्बा, एक दिल रखा है। अब उस दिल में हो सकता है कि मैं ना रोता हूँ, आप रोती हो, कोई कोई बहुत शिद्दत में आके अपने आप को मारने लगता है, कोई खून का हथियार देता है, कोई सबील पे शरबते दे रहा होता है, ये तो अकीदत का एहतराम, बिल्कुल, ये अपनी तरफ से इसके
अंदर जुबी जो शैतानी पार्ट ये आता है, जब हम एक मजे ले रहे होते हैं, हम कह रहे होते हैं यार वो देख यार लाल कपड़े वाले सबील में देख यार वो, और वो हम तंजो मजा काले कपड़े वाले सबील को देखकर यार वो काले कपड़े क्यों पहने, ये जो होते हैं ये देखें ये हम गुनाहों की तरफ जा रहे होते हैं। मैं कहता हूं शिया हो सुन्नी हो, क्या हम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी को मानते हैं? हम बिल्कुल मानते हैं, हर मुसलमान मानता है। तो जो हम जो पैगंबर को मानता है तो वो उसकी बेटी से कैसे प्यार नहीं करेगा, वो उसके दामाद से कैसे प्यार नहीं करेगा, वो अपनी उसकी बेटी के बच्चों से कैसे प्यार नहीं करेगा। और ये हमें ये सबक दे रहे होते हैं इससे ना। हम मैं कोई मुझसे पूछता है नदीम साहब आप शिया हैं, मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, वो कहते हैं आप सुन्नी हैं, मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर एक दिन मेरे बच्चे ने मुझसे पूछा अबू आप बताएं ना ये तो आप क्या डिप्लोमेटिक बातें करते हैं, कभी आप कहते हैं शिया कभी मैं सुन्नी। मैं कहता हूँ बेटा मैं डिप्लोमेटिक बात नहीं करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि हम मुसलमान हैं और हर मुसलमान जो है वो शिया भी है सुन्नी भी है। क्यों? क्योंकि हमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं। हमारी पूरी उम्मत ने हमेशा एक होके चलना सीखा है, तो हमें क्यों एक दूसरे से लड़वाया जा रहा है? हमारे नबियों ने कभी आपस में नहीं लड़े, हमारे सहाबा ने कभी आपस में नहीं लड़े, मोहब्बतें थी। और यही हुक्म आया था अल्लाह पाक की तरफ से कि ऐ मुसलमानों मत लड़ो, मत एक दूसरे से लड़ना। हमारी जंग तो काफिरों से थी, हमारी जंग तो मुनाफिकों से थी। तो आज हम किस तरह से हम शैतान की बात सुनते हुए आते हैं और आपस में लड़ रहे होते हैं? हमारा अदब, हमारी तहजीब, हमारा मजहब ये सिखाता है कि एक दूसरे का एहतराम करना। तो मैं ये गुजारिश ये करूंगा कि आज मुहर्रम की आज की शब और तमाम आने वाली शबों में हमें ये इमाम हुसैन और इस मुहर्रम के जो इमाम हुसैन का जो लश्कर है उससे ये सीखना होगा कि जनाब एक हक पे कायम रहे, नंबर दो किसी भी किस्म की कुर्बानी देनी हो कुर्बानी दे दे मगर दीन और इस्लाम के लिए और अच्छाई के लिए नेकी के लिए, देखिए नेकी के लिए करें, मगर ये ना कि आप लोगों के कहने पे आके सड़कों पे आ जाएं वो जिहाद नहीं है, या किसी के कहने पे टिकटॉक पे कैंपेन लगाना शुरू कर देते हैं आप अपने उस कैंपेनों में ना आए। हमारा दीन बहुत समझदारी की बातें सिखाता है हमें कि पहले देखो समझो तस्दीक करो फिर हाकिम से पूछो हाकिम का क्या फैसला है, यानी कि इतनी चीजें हमें आसान नहीं हमें कोई फैसला करना। हमारे दीन हमें बताता है कि अपने जबान से निकले हुए अल्फाज को एक तीर की तरह समझो जो निकल जाता है तो किसी को जख्मी कर सकता है और किसी की जान बचा भी सकता है। तो हमें फौरी तौर पे जो हम फैसले कर लेते हैं, मैं दरख्वास्त करूंगा कि जनाब ये फौरी फैसले ना करें। आपको नहीं पता कौन टिकटॉक बना रहा है और किस मकसद से बना रहा है, लोग बहुत से मकासद पेश कर रहे होते हैं। कोई कह रहा है कि जनाब यहूदी के दौरान जो है सस्ता था और मुसलमान के दौरान, ये सब आपको जज्बाती किए जा रहे हैं क्यों, ताकि आप अपने मुल्क में जो है ना आप एक दूसरे से नफरतें फैलाएं, एक दूसरे से लड़ें। देखिए इलेक्शन का दौर, लोग कहते थे इलेक्शन नहीं होगा ये हुकूमत कभी नहीं छोड़ेगी, अनाउंस कर दिया उन्होंने कहा हम हुकूमत छोड़ रहे। तो हमने 8 महीने अगर ये जो लड़ाई जंग 9 मई का वाकया अगर हम 8 महीने इंतजार करते हैं और बखूबी बगैर आपस में लड़े हुए कारकर्दगी पे आज हम इलेक्शन आने वाले दिनों में कर रहे होते वो बेहतर नहीं था? बनिस्बत कितने मासूम बच्चे आज कैद के अंदर बंद है, क्यों? क्योंकि उनको चढ़ाया गया था कि तुम लोग सड़कों पर निकलो। अब उनके माँ बाप रो रहे हैं, मैं कई माँ बाप से मिल चुका हूँ, कहने भाई आपको तो पता है ना किस तरह से लीडर आते थे और कहते थे कि ये करो वो करो और बच्चे तो जज्बाती होते हैं। मैं कहता हूँ बिल्कुल सही है, बच्चों का कसूर तो है मगर बच्चों से ज्यादा जो बड़े कसूरवार है वो उनके लीडर है। मैं तो अभी भी हुकूमत से दरख्वास्त करूंगा कि उन बच्चों को कुछ सजाएं दे के माफ कर दे।
कुछ सजाएं ताकि उनको ये एहसास हो, अगर आप सजाएं नहीं देंगे, हाँ नहीं देंगे तो फिर वो सड़क पे आके एक दफा फिर, और उनको ये ऐसा और उस सजा के दौरान उनकी तालीम हासिल करने का मौका दिया जाए, उनको तरबियत दिया जाए, और फिर कुछ अरसे बाद उसको बाकायदा वापस आम शहरियों के साथ जिंदगी गुजारने का मौका दें, उनको जेलों से निकालें ताकि उनको एहसास हो, ताकि वो अपनी औलाद को बताएं कि भाई ऐसे किसी लीडर के कहने पे कभी नहीं जाना आग लगाने, कभी नहीं जाना सड़कों पे गलत काम करने, क्यों, क्योंकि और वो इस लीडर को इबरत का निशाना बना दें ताकि अगला कोई लीडर ये हिम्मत ना कर सके कि किसी के बच्चे को सड़क पे लाके उससे तकरीबकारी कराई जाए। तो ये एक सबक है। और मैं दूसरी बात दोबारा से कहूंगा, अगर आप लोग चाहते हैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल अच्छा हो तो फिर वोट देते वक्त जहन में रखिएगा कि आप जो नुमाइंदा आप पसंद कर रहे हो वही नुमाइंदा आपके मुल्क का मुस्तकबिल बनाएगा। तो बराए मेहरबानी आप मजहब के नाम पे, आप जबान के नाम पे, बिरादरी के नाम पे वोट ना दें, कारकर्दगी के नाम पे वोट दीजिएगा। आने वाले वक्तों में बहुत मुश्किलात आ सकती हैं क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट जो है हो सकता है मजीद और सख्त फैसले करे जो मुल्क और कौम के लिए बड़े मुश्किल होंगे। आने वाले वक्तों में जिस हिसाब से हालात चल रहे हैं महंगाई के, उसको कंट्रोल करने के लिए मैं समझता हूँ कि खास तौर पर हमारे इदारों को दो चीजों पर कंट्रोल करना पड़ेगा। एक, कारोबारी लोगों के ऊपर इंक्वायरियां शुरू हो जाए ताकि पता लगे कि कौन जो है ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है। अभी कुछ दिनों पहले, दो दिन पहले मैंने एक टीवी प्रोग्राम एक प्राइवेट चैनल पे कहा था कि जनाब 25% महंगाई तो फौरन खत्म हो सकती है अगर कमिश्नर रेट पे हर जगह चीजें मिलना शुरू हो जाए। मैंने कहा मैं पूरी कराची में ढूंढ रहा होता हूं मगर मुझे कमिश्नर रेट पे ना आलू मिलता है, ना प्याज मिलता है, ना चावल, ना आटा, कुछ भी नहीं है। और ना ही मुझे कोई ऐसे इदारे नजर आ रहे होते हैं जो कि इन जगहों पे छापे मारे। और ये बड़े खुले आम है, पहले तो बेचारे मैं देखता था कि रेड़ी वाले जो थे वो कमिश्नर रेट को छुपा के अपना रेट देते थे, मगर अब तो बड़े बड़े सुपर मार्केटों में कमिश्नर रेट तो है ही नहीं, जो कि मैं कहता हूँ तमाम सुपर मार्केट है, बड़े बड़े नाम मैं नहीं लूंगा, मगर जो शहरों में आप जाए सुपर मार्केट में और आप जरा उधर जाके देखिए आलू के क्या रेट है, और वहां पे जाके जरा आप बात तो करेंगे कमिश्नर रेट लिस्ट किधर है भाई। आप गरीब झोपड़ और वो उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, रेड़ों की शुरुआत बड़ों से करें तो फिर बाद में रेड़े वाले भी सही हो जाएंगे। मगर हमारी शुरुआत मुख्तसरन आप ये देना चाहें तो वो भी दे दीजिए। जी मैं आखिर में यही कहूंगा कि ये प्रोग्राम हमारा करंट अफेयर्स का ऐसा है कि हम सालों तक बात करते रहेंगे तो हमारी बातें खत्म हो जाएंगी मगर हमारे मसले मसाइल खत्म नहीं होते। मगर आप अगर चाहते हैं कि अपने मुल्क अपने कौम को बदलना तो बराए मेहरबानी अपने आप को बदलें। तो इसी के साथ हम इजाजत चाहते हैं, मुझे नदीम मौलवी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी।